अभी तक हमने बात की कि हमने कंटेंट लिखना है और कंटेंट किंग है लेकिन कंटेंट होना कितना चाहिए हमने पहले बात की कि आप अनलिमिटेड कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं मतलब कि आप अनलिमिटेड पोस्ट लिख सकते हैं आप पेजेस बना सकते हैं आपको हद तक जितने भी आपको कीवर्ड लगते हैं कि आपको गूगल में सर्च कर रहे हैं लोग आप उनके अगेंस्ट आप लिखते चले जाएं ताकि गूगल ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंडेक्स कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऊपर लेके आ सके लेकिन हर पेज पे कंटेंट कितना होना चाहिए ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उनको समझ नहीं आती कि कितना लिखें नॉर्मली लोग दस लाइनों को या एक पैराग्राफ को कंटेंट समझते हैं वो कंटेंट तो है लेकिन कितना कंटेंट चाहिए गूगल को ताकि वो रैंक कर सके ये एक सवाल है सो so, हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक पेज लिखा है तो कम अज कम कोशिश ये करें कि उसके ऊपर पाँच वर्ड्स लिखें 500 एक मिनिमम लिमिट इसलिए सजेस्ट की जाती है कि गूगल में अगर गूगल ने इंडेक्स करना है आपका पेज क्रॉल करना है उसमें इतना उसमें कम से कम कंटेंट हो कि गूगल उसमें से तो कुछ अखस कर सके कुछ उसमें से अंडरस्टैंड कर सके कि आपका पेज किस बारे में है कम कंटेंट होगा गूगल को यह समझ नहीं आएगी कि आपने उसमें क्या बात की है इसलिए अगर कंटेंट कम होगा उसमें आप ज्यादा कीवर्ड्स भी यूज नहीं कर सकेंगे और उसमें फिर आप सिनोनिम्स भी यूज नहीं कर सकेंगे सो so अगर आपने डेंसिटी भी दो से तीन परसेंट रखनी है तो आपको इतना कंटेंट चाहिए कि आप उसमें दो चार दफा का अपना कीवर्ड रिपीट भी कर सकें सो मेक श्योर ये करें कि लेंथ हमेशा कम अज कम पांच रखें ज्यादा से ज्यादा कोई लिमिट नहीं है लेकिन इतनी ज्यादा भी ना हो कि एक एक पेज एक बुक बन जाए तो so, आपने हमेशा अपने टॉपिक के साथ जस्टिफिकेशन करनी है कि आपका टॉपिक क्या है और उसके अगेंस्ट आपने क्या लिखा है अगर आपका टॉपिक डिमांड करता है कि लंबा कंटेंट लिखा जाए तो उसके ऊपर लंबा कंटेंट लिखना जरूरी है क्योंकि पढ़ने वाले को अगर उसको एक चीज पढ़ने आया है लेकिन जब वो पढ़ना शुरू करता है और एकदम से खत्म हो जाए तो फायदा नहीं है सो so, आपने ये जरूर मेक श्योर करना है कि कॉन्टेंट की जो डिमांड है उसको पूरा करें लेकिन अगर आपको थोड़ा से थोड़ा भी लिखना है तो कोशिश ये करें कि 500 सौ वर्ड्स तो लाजमी लिखें इससे आपकी हेसियत बहुत बेहतर हो जाएगी और आपकी रैंकिंग्स आपके कंप्यूटर से ऊपर जाएगी क्योंकि मशीन लर्निंग गूगल किस तरह से काम करती है कि वो आपके कंटेंट को देखकर फिर ये डिसाइड करती है कि आपने किन की के ऊपर रैंक करना है सो so, अगर आपका कॉन्टेंट ही नहीं होगा या अगर बहुत कम होगा उसमें वर्ड्स भी ज्यादा नहीं होंगे जब वर्ड्स ज्यादा नहीं होंगे गूगल रैंक भी नहीं कर सकेगा सो so, लेंथ बहुत मैटर करती है कंटेंट की अगर आपने कंटेंट लिखना है तो कम से कम 500 लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा लिखना है तो आप 5000 तक भी जा सकते हैं मेक श्योर sure ये करें कि लोग बोरिंग ना हो जाएं और उसको ये है कि प्रॉपरली कंज्यूम कर सकें ताकि वो उतना कंटेंट हो जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है